Hey everybody, subscribe to my channel and press the bell icon to get notification about new videos. Hi guys, I am T2 and आप देख रहे हैं Cool and Techie YouTube channel. तो गाइस अभी स्मार्टफोन्स मार्केट पे क्या चल रहा है सब कुछ समझ के बाहर है. जहां एक तरफ रियलमी तहलका मचा रहा है, दूसरे तरफ ऑनर एक के बाद एक बेहतरीन स्मार्टफोन्स ला रहा है. एंड अभी इसूस की तरफ से ये न्यूज आ रहा है, बहुत ही जल्द हमें इसूस की तरफ से काफी सारे स्मार्टफोन्स देखने को मिलने वाला है. 2018 के स्टार्टिंग में इसूस ने अपना धमाकेदार ZenFone 5 सीरीज को MWC पे रिवील करके सबको सरप्राइज कर दिया था, जिसमें इंक्लूड था ZenFone 5, ZenFone 5 Lite एंड ZenFone 5G. हम सब ZenFone 5 इंडिया में लॉन्च होने के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन इंडिया में लॉन्च हुआ ZenFone Max Pro M1 एंड ZenFone 5G. एंड अब ऐसा न्यूज आ रहा है ZenFone 5 सीरीज का सक्सेसर ZenFone 6 सीरीज को Asus बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है. रिसेंटली ZenFone 6 सीरीज की कुछ प्रोटोटाइप मॉडल्स की इमेजेस लीक हो चुका है, जो मैं आज इस वीडियो पे आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ. एंड साथ में बताने वाला हूँ आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशंस मिलने वाला है एंड कब ये फोन लॉन्च होने वाला है. जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. एंड ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक कर देना. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट. तो दोस्तों ZenFone 5 एंड ZenFone 5G काफी शानदार स्मार्टफोन्स थे एंड ZenFone 6 और भी शानदार स्मार्टफोन होने वाला है. तो देख लेते हैं पहले इमेज को. तो इसमें दिखाई दे रहा है एक बेजललेस ब्यूटी स्मार्टफोन, जिसमें इंटरेस्टिंग बात है इसमें आपको इन डिस्प्ले फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है. एंड पास में रखा है ZenFone 5. अगर बैक में देखते हैं तो लेफ्ट वाला फोन में आपको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है. इसका मतलब इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हो सकता है. Asus बहुत इनोवेटिव कंपनी है, इसलिए कुछ भी हो सकता है. मे बी Asus दुनिया का पहला कंपनी बन जाए जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट एंड इन डिस्प्ले फ्रंट कैमरा दोनों को एक साथ इंप्लीमेंट कर दे. एंड यहाँ पर हमें 3.5mm जैक भी देखने को मिलता है, जो आजकल काफी सारे फ्लैगशिप फोन्स पे मिसिंग है. प्लस इसमें USB टाइप सी पोर्ट भी मिल जाता है. नेक्स्ट इमेज पे आपको ये दो प्रोटोटाइप फोन्स देखने को मिलता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, जो ऊपर राइट साइड की कोने पे इंप्लीमेंट किया गया है. एंड पीछे मिलता है ग्लास बैक डिजाइन, डुअल रियर कैमरा सेटअप एंड रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर. ZenFone 5 पे हमें स्नैपड्रैगन 636 देखने को मिला था. ZenFone 6 पे मे भी हमें स्नैपड्रैगन 670 या फिर स्नैपड्रैगन 710 देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी तक कुछ भी स्पेसिफिकेशंस लीक नहीं हुआ है. एंड नेक्स्ट एक हैंड्स ऑन वीडियो है, जिसमें हमें Vivo V11 Pro जैसा वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है एंड बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है. लेकिन कौन कौन सा लेंस यूज किया गया है इसके ऊपर अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यही फोन ZenFone 6 का फाइनल प्रोटोटाइप होने वाला है. एंड जो बेजललेस ब्यूटी था वो फोन शायद ZenFone 6G होने वाला है, जो स्नैपड्रैगन 855 के साथ आ सकता है. ZenFone 5 सीरीज को सबसे पहले MWC पे दिखाया गया था, इसलिए इस बार भी मे बी ZenFone 6 सीरीज को MWC पे ही रिवील किया जाएगा. ग्लोबल लॉन्च कब होगा, कब इंडिया में आएगा, क्या प्राइस होगा, इसके ऊपर फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. कुछ दिन पहले ZenFone Max Pro M2 के भी कुछ लीक्स आए थे, जो इसी साल के एंड तक लॉन्च हो सकता है. 2019 में हमें Asus की तरफ से काफी सारे कमाल का स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, ऐसा उम्मीद तो है. मे बी हमें ZenFone 6 सीरीज पे 5G का सपोर्ट भी मिल जाए, लेकिन अब ये देखने इंटरेस्टिंग होगा Asus कब ZenFone 6 सीरीज एंड ZenFone Max Pro M2 को लॉन्च करता है एंड किस प्राइस में इंडिया में लाता है. फिलहाल मेरे पास ZenFone 6 के रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन था मैंने आप सबके साथ शेयर किया. मुझे अगर ZenFone 6 के रिलेटेड और भी कुछ अपडेट्स मिलता है तो मैं फिर से वीडियो बना के आप सबको बता दूंगा. अभी के लिए इतना ही. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स पे जरूर बताना. एंड साथ में ये भी बताना क्या आप ZenFone 6 सीरीज के लिए एक्साइटेड है या फिर दूसरे किसी स्मार्टफोन्स के लिए वेट कर रहे हैं. प्लस इस वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना. एंड इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना एंड साथ में बेल आइकन को भी दबा देना. जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.